एक्सपेक्टेशन ते उम्मीदां पंजाब दे लोगां तों और पंजाब दी इस यात्रा तों है। राहुल गांधी जी ने एक बहुत वड्डी इतिहासिक इस यात्रा दे राहीं पूरी दुनिया भर दे विच एक गल चर्चा दा विशा बनी हुई है कि राहुल गांधी मगरले 81-82 दिनों तो लगातार सुबह 4:30 बजे उठ के 5:30 बजे ब्रेकफास्ट करके सड़कों पर रोजाना 21 काम 25 किलोमीटर भारत जोड़ो जिसके पिछे कोई मकसद नहीं है, जिसके पिछे इलेक्शन मकसद नहीं है, जिसके पिछे चुनाव जीतना कोई मकसद नहीं है, जिसके पिछे एक ही मकसद है कि देश का लोकतंत्र बचा के रखना है, देश का संविधान बचा के रखना है, तो देश के लोगों कट्ठा रखना है, किसी को टुटन नहीं देना। और असी जो इस देश के जिस तरह की राजनीति चल रही है उन्होंने राजनीति बारे चर्चा करा, लोगों मिलेंगे, बेरोजगारी महंगाई ये तमाम मुद्दों पर देश भारत जोड़ो यात्रा जी राहुल गांधी ने शुरू की है। और मैं लगता मुकम्मल जो ये कंप्लीट श्रीनगर तक पहुँचेगी एक नया इनकलाब इस देश के अंदर पैदा होगा, खड़ा होगा, और जिदे नाल असी इस देश के लोगों तमाम इस देश के अंदर हो रही जड़ियाँ तमाम चीज़ें हैं आपस में लड़ा के काम है, हिंदू भाईचा भाईचारे भाईचारे लड़ाने वाला काम है, सबनों असी एक माला के परोन का काम कर। एक समन थोड़ी कर रहे, बथेरे लोग पहला भी विजिलेंस के ओरे च आए, सो मैं कहना किसी को समन करना, किसी पर परचा होना, किसी को अंदर देना, उरे नाल व्यक्ति गुनेगार नहीं बन जाता। व्यक्ति गुनेगार उदों हुंदा है जदों ओरे ते कोर्ट ये फैसला कर ले ते तय कर ले कि चार्जशीट हो जाए कि ये बंदा गुनेगार है। सो कई बार होंगे कि बहुत सारे व्यारे विचारे लोग है जेलों के अंदर भी ऐसे नजायज बंद ने जिन्होंने कुछ किया ही नहीं, कुछ कर्म ही नहीं किया। कुछ लोग ऐसे भी ने जिन्होंने बहुत कुकर्म किए है, माड़े काम किए, वो हजे जेल दी सलाखा पिछे नहीं ने। सो मेरे कहने का भाव यह है किसी को सम्मन करने के नाल साडे ते कोई किसी प्रकार का दाग नहीं लग जाता। सो सम्मन करते रहेंगे, साडे लोग जाते रहेंगे, असी आपकी लड़ाई लड़ते रहेंगे, आने वाला समय दसेगा कि ओपी सोनी जी और साडे लोग गुनेगार हैं या नहीं। नायब तहसीलदार रिक्रूटमेंट कैम के विच 9 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं राजा जी इस विच है ना, ये सारा जिहड़ा तुहानूं लगता है कि देखो हुण देखो गल यह है स्कैम की गल करते हैं, ये किहड़े समय होए आम आदमी पार्टी ने, हुण मैं ये गल अज के कहां कि ये स्कैम ही उन्होंने कराया रेवेन्यू मिनिस्टर इन्वॉल्व है। पर मैं नहीं कह रहा इन्वॉल्व है या नहीं, पर इस तरह कोई स्कैम होंदा है जां कोई गल होंदी है उहदे विच जिहड़े लोग कसूरवार है उन्होंने बिल्कुल उन्होंने टंगना चाहिए, पर जो कसूरवार नहीं एवं लिया लिया के नहीं किसी को फसाना चाहिए। चंगी गल है जे भर्ती घोटाले का कोई सामने आया काम तो चंगी गल है, वह नंगा करना चाहिए ता जो गांह वाले समय च इस तरह ना हो। कवल जी बराड़ के उपर कार्रवाई हुई है, ब्रिंग साहब कहते अमृतपाल लैके की गई है कि वह हिमायत कर रहे थे। देखो मैं किसी को लेके किसी पर कार्रवाई ना की है ना, मैं इस तरह का बंदा है, मैं किसी को हिमायत लेके सारी दुनिया से खुला मैदान पाया। कई ने यह कहा कि राजा वड़िंग सिखा के खिलाफ है, मैं खुद सिखा मैं सिख के खिलाफ किवें गल कर सकता, मैं तो कहना सिखी का प्रचार होना चाहिए, जिन्ना प्रचार कर सके धार्मिक गुरमत साडे वर्गे लोगों को प्रेरित करना चाहिए कि असी गुरु के बाणे चाहिए, गुरु की गल करिए, साडा प्यो सी गुरु ग्रंथ साहिब महाराज, सिखी साडा धर्म है, असी किदा सिखी के खिलाफ बोल सकते। हाँ कोई व्यक्ति विशेष की गल हो तो असी व्यक्ति विशेष के बारे किसी के कह सकते हैं, भावें कोई वह सरदार होवे ते भावें कोई हिंदू होवे ते भावें कोई होर व्यक्ति होवे, जे कोई बंदा किसी व्यक्ति विशेष बारे बारे आपके विचार रखता है ना, मतलब ये नहीं भी सिखी के खिलाफ। दूजी गल मैं दूजी गल मैं किसी के बारे किसी नूं इस तरह किसी ने कुछ किया इस तरह कार्रवाई नहीं करते। इनडिसिपलिन च रहना पएगा हर व्यक्ति, चाहे वह राजा वड़िंग है, किसी नूं किसी दे इतराज है, साडा एक सिस्टम है, मेरे तो उपर भी सिस्टम है, उन्हां दे उपर भी सिस्टम है, ते जे हर व्यक्ति यही तो कम रहा साडा पहला जो जिदे च जी चाया हर व्यक्ति ने ओह मीडिया के सामने बोलिया फिर डिसिपलिन तो हो ही नहीं। घर विच अगर लड़ाई है, घर विच अगर कोई काम है तो तुसीं आके घर विच समेटो, उरा एक लेयर बनी हुई है डिफरेंट, पर जे तुसीं मन बना लिया
किसी के खिलाफ का फिर तुम शरेआम माइक से किसी कुछ भी बोल सकते बोलना तो बड़ा सौखा है किसी से भी इल्जाम ब्रिंग साहब लेकिन कहा जा रहा है कि राजा ब्रिंग की पई है कि बार बार अमृतपाल लैके बयान कर चलो मैं बहुत ही गल किसी ने सियाने कहने मूर्ख नाल ना दूजिए बाणी च भी आता है ठीक है सो मैं कार्रवाई जी करनी सी हाईकमांड ने इंचार्ज साहब ने कार्रवाई की और डिसिपलिन हर व्यक्ति रहना पड़ेगा हाँ मेरे खिलाफ कोई मैं कोई डिक्टेटर नहीं हाँ मेरे खिलाफ किसी एतराज हो सकता वो मेरे खिलाफ मेरे इंचार्ज न दसे जे मेरा इंचार्ज नहीं सुनता तो दिल्ली जाके राहुल गांधी जी सोनिया जी के सी वेणुगोपाल लिखे उड़ीक साहब अज ज्ञानचंद गुप्ता जी ने साड़ी गल हो रही थी वो कहते साड़ी जगह विधानसभा की घट है इस करके असी मांग की बेवजह तूल दिता जा रहा है राजनीति उन्होंने कहो कि 75 साल तो क्यों घट है देश आजाद हो 75 साल हो गए हैं तुसी जिथे जी विधानसभा इन्ने साल आपका सारा काम काज चल रहा सी कर रहे सी ते हुण विधानसभा दी ऑटोमेटिकली जगह घट किथे हो गई कहिंदे आउण वाले समय च मेंबर्स होर वधणे हैगे मेंबर वधणे आ मेंबर बिठाण नूं कोई जगह नहीं है मेंबर वधणे आ तां इह गल्लां कहिंदी आ उत्थे जे तुसीं 2 मेंबर जां 10 मेंबर वधाउणे होण तां ऑटोमेटिकली वधा सकदे कई वारी अपने घरे 3 ही कमरे हुंदे पर गेस्ट आ जांदे आ वध तां असीं उहनां दे इंतजाम कर लैणे इह जानबुझ के गल्लां कीतियां जा रहियां जानबुझ के जिहड़ा हक है साडा पंजाब दा हक है चंडीगढ़ क्योंकि चंडीगढ़ जदों बनिया सी उदों पंजाब दे कुछ पिंड उजड़े सन पूरा प्रॉपर वेरवा इस करके असी हक रख रहे हैं असी हूँ चंडीगढ़ ते नहीं हक रख रहे साडे पंजाब दा हिस्सा उजड़े सी इस करके साडा हक है सानू बिना पुछे तुसी जगह किवें अलॉट कर सकदे हो और जगह अलॉट करन दे नाल जिहड़ा साडा हक है तुसी उहनू कमजोर करना चाहुंदे हो जिहड़ा बिल्कुल नहीं कर पा रही है जी तुसी समझदे हो कि सरकार पंजाब सरकार कर पा रही है नहीं सरकार बिल्कुल मूकदर्शक बन के वेख रही है मेरे हिसाब नाल सरकार नू जिस तरह इस मुद्दे ते लड़ाई लड़नी चाहिए है उस तरह सरकार बिल्कुल लड़ाई नहीं लड़ रही सरकार नू हिकड़ा के लड़नी चाहिए है कि बिल्कुल जमीन इंच नहीं देन देंगे जिन्ना चिर पंजाबी इत्थे बैठे हाँ जिन्ना चिर सूबा सरकार है असी एक इंच हरियाणे नू जमीन नहीं देंगे हरियाणे नू जमीन दे देन पंज कुले गड़गांव दे देन सर गुप्ता जी ने इन्नी गल भी कहती कहिंदे अगर आण वाले समय च पंजाब नू पूरा चंडीगढ़ भी मिल जांदा तां कहिंदे 10 एकड़ लैण भी नाल ही मिल जाएगी अगर मिल जांदा फिर इस तरह नहीं हुंदा 10 एकड़ भी फिर तां तुसीं सारा कुछ ही विसा लो फिर तुसीं कहो जदों मिल जांदा तां फिर उदां हो जाएगा इस तरह नहीं हुंदा कि तुसीं कहो कि एक वारी मैं घर बना लिया तुहाडे घर दे विच आ के ते उस तों बाद जे तेरे हिस्से घर आ गया तां उदों बाद तैनूं मैं मकान वी छड्ड देंगा सो इस तरह दीआं गल्लां सानू ज्ञानचंद गुप्ता जी मेरे सत्कारयोग स्पीकर साहब ये गल ना समझाउण बिल्कुल हौली हौली तुसी साडे अधिकार खो रहे हो तुसी ते तुहाडी बीजेपी रल के तुसी सानू जानबुझ के पंजाबियों नू हर थां ते चाहे वह किसानी मसले सन चाहे BBM भाखड़ा ब्यास का मसला सीगा चाहे चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी का मसला तुसी हमेशा साडे गलियां में हथ पाउण दी कोशिश कर रहे हो चिट्ठी गई किसी ने की किया कोई बहुत इशू नहीं है ब्रदर चलते रहते हैं मेरे जिहड़े पंजाब दे मुद्दे आपां मुद्दे दी गल करदे कि लैटर गया लालपुरा पुलिस स्टेशन में बठिंडा ते एक बड़ा ये लैटर इंटरेस्टिंग केस है मीडिया वाले जिहड़े भरा हुंदे ना मेरे अगे जिहड़े इधरों उधरों कम आ ओह बना दिंदे ना किसी ने लैटर वेख्या ना बनाया ना कीता अगला कहिंदा अज दी खबर ये चल जूगी जे वड्डा ओहदा मिलदा ते स्वागत करोगे तुसी किसे नूं भी किसे नूं वड्डा ओहदा मिलदा है ना केवल नवजोत सिद्धू नूं राजा ब्रिंग नूं सवेरे पंजाब दी प्रधानगी तो जाके किसी नूं होर कोई भाएगा तां राजा ब्रिंग वेलकम करेगा ओह डिसिप्लिन सिपाही है ना कि प्रधानगी तो किसी नूं लाता तो किसी दे खिलाफ बोली कहिंदे 6 महीने दी तैयारी कर लो कि डिसिप्लिन दी तैयारी हो जाऊगी 6 महीने कारी नवजोत सिंह सिद्धू नूं कहा कि 6 महीने हैगे तुहाडे कोल जमानत च तद तक तैयारी जिहड़ी अपनी कर लो इस तरीके दे चिट्ठी दा भी जिक्र होया अच्छा यार मैनू इस गल दा नहीं पता तू पढ़ी होनी है पढ़ी होनी हमेशा ही तू इहो जी खबर लिया के दिंदा भी आ मैं पढ़ के लिया जी पढ़िया चिट्ठी पढ़ी चल रहे मैं थोड़ा टाइम पूछना नहीं छोटे वीर मैनू इस बारे नहीं पता हुण की पता होर कुछ लिखा हो चिट्ठी च कल नूं खबर चल जानी है भी चिट्ठी च लिखा सी पंजाब दी प्रधानगी 6 महीने बाद थानू दित्ती जानी है तुसी ये चला देना है ये क्या ही वड्डा होता है ब्रिंग साहब बठिंडा दे लालपुरा पुलिस स्टेशन दे विच बड़ा इंटरेस्टिंग केस आया है कि केस प्रॉपर्टी दे वेपन सी गिर जमे पिछे 10-11 वेपन ओ जेड़ा मुंशी ने ओ गायब करते मुंशी ते भी पर्चा आज हो गया इस तरह दे होर केसेस भी नजर मारे DGP पंजाब तां होर भी मिल जाने इस तरह कुछ एहो जे शरारती जेड़े माड़े अंसर पंजाब पुलिस भी है जेडे पंजाब पुलिस की जिन्होंने रेपुटेशन खराब की है इस तरह के जेडे छोटे मुंशीज ने सारे नहीं है
बथेरे ऐसे लोग ने जो पड़तालन गए तो होर भी ऐसे बथेरे केसिस मिल जाएंगे। ये मैं कह कि ये तो जी पुलिस की फलां है ये इदा कर रहे हैं क्योंकि किसी ने पड़ताले ही नहीं अज तक की हो रहे। इस तरह के होर मसले भी सामने आने। मेरी बेनती है कि ना कि एक पुलिस स्टेशन DGP पंजाब तमाम यह जड़ियाँ केस प्रॉपर्टी चीज़ा उन्हों की पड़ताल करे ना केवल असले की उत्थे कारा जीपां मोटरसाइकिल होर चीज़ा जड़ियाँ केस प्रॉपर्टी क्योंकि चंगी चंगी चीज़ा इधर उधर कट के बेच दी जाए पैसे ले ले जाते उन्होंने लोगों को टंगिया जाना चाहिए। ब्रिंग साहब मानते हो कि ट्रेनिंग सेंटर बनना चाहिए क्योंकि असला लाइसेंस दे देते हैं लेकिन जिन्होंने असला चलाना भी नहीं आता उन्होंने तो मेरा ख्याल फ्लॉट ट्रेनिंग होंगी है पर हाँ जिन्हों असला चलाना नहीं आता उन्होंने असला लाइसेंस नहीं मिलना चाहिए पहला ट्रेनिंग देनी चाहिए। पर जिन्होंने ट्रेनिंग ली है जो कोई आपकी हिफाजत असला रखना चाहता है और आप विखावा ना करे और आप प्रदर्शन ना करे। मैनू भी कई बार लोग कहते हैं कि इन्हों बंदूकों तो बड़ी नफरत है मैनू ना बंदूक तो नफरत है ना मैनू बंदूक चंगी लगती है। बंदूक है जी कोई मेरी मशूकता है नहीं जी या कोई मेरी गर्लफ्रेंड का है नहीं या मेरी घरवाली का है नहीं बंदूक होंगी है ये हथियार होंगे जोड़े ये थानू ये आपके को रखन लुको के आपकी हिफाजत वास्ते आ ना कि विखावा करना से मैनू किसी के असले तो रख से कोई नफरत नहीं है बट कीप इट सीक्रेटली आपके को अगर थोनू जिंदगी कदे जरूरत पैंती है जिरा कि इस्तेमाल नहीं करना चाहिए पर थोनू लगता है कि बिल्कुल मेरी जान जाती है तो थोड़ी हिफाजत वास्ते होंगी ना कि विखावे वास्ते। वरिंग साहब असले गन कल्चर से सरकार कह रही है असं क्रैकडाउन करांगे 72 आवर्स का टाइम भी दिता कि लोग अपनी पोस्ट जी ने हटा लेने हटाउनियां चाहिए सीएम दी भी एक फोटो जी यार पुरानी फोटो मैं कहना कि उदो यह नहीं समा सी अक्सर ही विआहां दे विच लोग राइफल लैके फायर करते पर फिर ऐसे हादसे भी हुए दारू पीते लोग फायर कर रहे थे किसी ने गोली बाजी की बंदे मर गए। हुण असीं रिव्यू कर रहे हैं गन कल्चर नूं सानूं ये पता नहीं सी अमरीका कनेडा च ओपन है गन लाइसेंस लैण दी भी लोड़ नहीं जिस तरह के हालात बनते जा रहे हुण इस करके असीं जिहड़ा गन कल्चर है ये चंगा कदम है। मैं इस गल की सलांघा करदा कि बिल्कुल जदों पोस्ट पाउणे है मैं छोटे बच्चे ते परचे की नखेधी की कि नहीं होना चाहिए पूरी कैंसल भी हो गया ता जो असीं बच्चों नहीं असीं दस भी सकी पर हुण किसी चीज़ ते मना ही लाती है सरकार क्योंकि बहुत ही ओवर हुंदा जांदा जिहड़ा बंदा मेरे अर्गे ने डंडा नहीं फड़िया वह बंदूक फड़ी फिरदा जिहड़ा बंदा ने किसी ने कीड़ी नहीं मारी वह कहिंदा मैं हुणे लद दूंगा किसी बंदे नूं क्योंकि मरना मरवाउणा रब दे हत्थ विच है। मेरे कहिण दा मतलब सारिआं नूं मेरी भी बेनती है कि जिन्हां दीआं पुराणीआं पोस्ट हैगीआं हो सकदा मेरे अर्गे ने भी कितें गन फड़ी होवे नौजवानी च जवानी च इस गल दा कई वारी शौक हुंदा वेख लैंदा बंदा फड़ लैंदा हत्थ च कोई फोटो होवे पर सरकार ने हुण किसी चीज़ से मना ही कर दी। असी आधार कार्ड बनाए हुण सरकार ने कहा आधार कार्ड बिना काम नहीं चलेगा असी कहिए नहीं असीं तां आधार कार्ड बनाउणा नहीं सरकार ने इस करके मना ही की है। मेरी भी बेनती है पंजाब के लोगों नूं कि आपके सोशल मीडिया तो आपदियां जिहड़ियां पिक्चर्स पुरानियां हैगियां उत्थों नूं डिलीट मार देनियां चाहीदियां हटा लेनियां चाहिए और गन्स जे किसी नूं जरूरत है मैं सरकार नूं यह भी बेनती करांगा कि लाइसेंस जे किसी नूं जरूरत है और जरूर बनना चाहिए तो जिन्हें गन रखनी चाहुंदा है वो बिल्कुल रखे लेकिन छुपा के रखे ना कि वखा के रखे। ठीक है, थैंक यू।